मैं डॉक्टर डीएस मलिक वर्तमान में इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर में डायरेक्टर जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के पद पर कार्यरत हूँ और मैं आज आपसे अपेंडिक्स के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। अपेंडिक्स में पेट का दर्द होता है और पेट का दर्द एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको कि आदमी कोई भी दवा लेकर के या कोई भी अपना लोकल ट्रीटमेंट लेकर के या कोई भी लोकल डॉक्टर से दवा लेकर के ठीक करवाता रहता है और चलता रहता है, लेकिन कई बार यह दर्द ठीक नहीं होता और उसको अल्टीमेटली चिकित्सक को जा कर के दिखाना चाहिए। अपेंडिक्स के दर्द में पेट के लोअर साइड में राइट साइड में इसको दर्द होता है, अगर बहुत तेज़ दर्द होता है कई बार तो वो एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहलाता है, लेकिन कई बार इसमें बहुत तेज़ दर्द नहीं होता। जैसे कि साधारण आदमी जानता है कि इसमें बहुत तेज़ दर्द होना ही आवश्यक है, तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि इसमें बहुत तेज़ ही दर्द हो। कई बार मीठा मीठा दर्द भी होता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, और वो दवाई खा करके आदमी उसको घुलाता रहता है, लेकिन ये क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस कहलाती है। और इसके डायग्नोसिस के लिए एक्चुअली इसको आजकल क्लिनिकल डायग्नोसिस ही सबसे अच्छा डायग्नोसिस होता है वैसे तो, लेकिन आज के टाइम में हर आदमी ये चाहता है कि कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। आज इंश्योरेंस का भी ज़माना है तो इंश्योरेंस वाले भी मांगते हैं कि साहब कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो कि उसमें डायग्नोस हो जाए, तो डायग्नोसिस के लिए आजकल सोनोग्राफी करवाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सोनोग्राफी में भी रफली 40% ऑफ केसेस में अपेंडिक्स नहीं दिखती, क्योंकि सोनोग्राफी का एक लिमिटेशन है कि उसमें गैस अगर आ जाती है उसके बियॉन्ड उसमें कुछ नहीं दिखता। और अपेंडिक्स 80% ऑफ केसेस में सीकम के पीछे की तरफ होती है, रेट्रोसीकल पोजीशन में होती है, इस वजह से जब सीकम में गैस आ जाती है तो इसको दिखने में प्रॉब्लम आती है सोनोग्राफी में। तो 60% केसेस में तो इसमें अपेंडिक्स दिख जाती है, स्पेशली जबकि वो मोटी हो, काफ़ी इन्फ्लेम्ड हो या उसकी एबनॉर्मल पोजिशन हो। लेकिन कई बार जब क्लिनिकली लगाया कि अपेंडिक्स ही है और सोनोग्राफी में भी नहीं आया, तो फिर ऐसे केस में CECT एब्डोमिन यानी सीटी स्कैन पेट का करवाना होता है। उससे आप 95-96% केसेस में बिल्कुल कंफर्म रूप से कह सकते हो कि अपेंडिसाइटिस ही है। और जब एक बार अपेंडिसाइटिस का डायग्नोसिस हो गया तो हमें इसका इलाज ऑपरेशन ही करवाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट इलाज इसका ऑपरेशन ही है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट ऑपरेशन करवाने की स्थिति में नहीं होती है, और ऐसे केसेस में हम एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केसेस को भी कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं और पेशेंट को भी एडवाइस करते हैं कि 3 हफ्ते बाद में जा करके इसका ऑपरेट करवा लें, जो कि इंटरवल अपेंडिसेक्टमी कहलाती है। लेकिन कई बार वो भी ऑपरेट नहीं करवाते, तो ऐसे समय में अब अगर मान लो डायग्नोस्ड है कि आपको अपेंडिक्स है तो आपको इसको तुरंत ऑपरेट करवा लेना चाहिए, अन्यथा इसको ऑपरेट नहीं करवाने से कभी भी इसके बस्ट होने के या परफोरेट होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें कि मवाद पेट में पड़ के पेरिटोनाइटिस हो जाती है और कई बार ये जीवन के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए अगर आपके अपेंडिक्स डायग्नोस्ड है तो आपको इसको ज़्यादा डिले नहीं करके तुरंत इसको ऑपरेट करवा लेना चाहिए। अभी चूँकि गर्मी का मौसम है, बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं, घर से भी अपन कंपेरेटिवली फ्री हैं, तो अगर अपेंडिक्स डायग्नोज है तो आपको आकर के इसको ऑपरेट करवा लेना चाहिए। इसको ऑपरेशन हम लेप्रोस्कोपिकली द्वारा करते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड आज की तारीख में वही है, जिसमें पेट में 3 छेद करते हैं, उन 3 छेदों के थ्रू ही पूरा ऑपरेट कर देते हैं, 2 दिन बाद में अस्पताल से छुट्टी कर देते हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं आती। धन्यवाद।